दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े विमान ने शनिवार को कैलिफोर्निया में पहली बार उड़ान भरी। इसका परीक्षण करीब 2.5 घंटे तक मोजावे रेगिस्तान के ऊपर किया गया। इसमें 6 बोइंग 747 इंजन लगे हैं। विमान इतना बड़ा है कि इसके पंख का फैलाव एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा लंबा है। इसे स्केल्ड कंपोजिट्स इंजीनियरिंग कंपनी ने तैयार किया है। यह विमान रॉकेट और उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा तक पहुंचाने में मदद करेगा। मौजूदा समय में टेक ऑफ रॉकेट की मदद से उपग्रहों को कक्षा में भेजा जाता है। अगर यह योजना सफल रही तो उपग्रहों को कक्षा तक पहुंचाने के लिए विमान बेहतर विकल्प होगा और उपग्रह छोड़ने का खर्च भी कम हो जाएगा। यह 2 एयरक्राफ्ट बॉडी वाला विमान है जो आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें 6 इंजन लगाए गए हैं। पंखों की लंबाई करीब 385 फीट है। विमान पहली उड़ान में 17,000 फीट की ऊंचाई तक चले जाता है। इस दौरान इसकी गति 170 मील प्रति घंटे की हो जाती है। इसे सैटेलाइट के लॉन्च पैड के रूप में तैयार किया गया है। दूसरी ओर बोइंग कंपनी फोल्डिंग विंग्स वाला पहला कमर्शियल विमान तैयार कर रही है। पिछले दिनों उसके 777-9X जेटलाइनर के फोल्डिंग विंग्स की पहली झलक सामने आई थी। इसके विंग्स का फैलाव 335 फीट और 5 इंच होगा। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन जेटलाइनर होगा। बोइंग कंपनी के 102 साल के इतिहास में किसी एयरक्राफ्ट के विंग्स इतने बड़े नहीं हैं। इसका ट्रायल अगले साल से शुरू होगा। तो दोस्तों, अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।